तो वहीं नोएडा का ट्विन टावर अब इतिहास की बात बन चुका है। 103 मीटर ऊंचे दो टावर मिट्टी में जमींदोज कर दिए गए। ट्विन टावर से महज 14 मीटर की दूरी पर दूसरी सोसाइटी थी। इन सोसाइटीज से लोगों को एहतियातन वहां से शिफ्ट कर दिया गया था, निकाल लिया गया था। करीब 5000 लोग ट्विन टावर के आसपास की दो सोसाइटीज में रहते हैं। देर रात तक इन दोनों सोसाइटीज के ज्यादातर लोग वापस लौट आए हैं। टावर के गिरने से एटीएस विलेज सोसाइटी की 10 मीटर की बाउंड्री वॉल गिरी है और कुछ खिड़कियों के शीशे भी टूटे हैं। इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सिर्फ 12 सेकंड और ट्विन टावर धड़ाम। नौ साल की कानूनी लड़ाई, 6 महीने की तैयारी का नतीजा था ये 12 सेकंड का ग्रैंड शो। डेसिबल के साउंड के साथ जब दोनों इमारतें ध्वस्त हुई तो धूल का गुबार छा गया। तो देखेंगे तो तीन बिल्डिंग के फ्लोर के पॉकेट यहां पर गिरे हैं और क्या तो यहाँ ये पूरे तरीके से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। और अगर इन टावर्स की तरफ देखेंगे जिनको कपड़े से गया था वो यहाँ पत्थर से फट गए हैं। डिमोलिशन के इस ग्रैंड शो के बाद भारत 100 मीटर से ऊंची इमारत ढहाने वाले एलीट क्लब में शामिल हो गया है। जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं वो पूरी तरह से कांप गया और ये धुएं का गुबार चारों तरफ दिखाई दे रहा है, चारों तरफ सब कुछ, क्योंकि हवा पीछे की डायरेक्शन की है तो ये पीछे की तरफ इस समय हवा जाते हुए। पहली इमारत 32 मंजिला थी, दूसरी 29 मंजिला। 103 मीटर ऊंची करप्शन के दोनों मीनारों के सामने कुतुब मीनार भी बना था, लेकिन जब इंसाफ का डायनामाइट फूटा तो दोनों इमारत हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर गई। में नोएडा का ट्विन टावर ध्वस्त हो चुका है और उसका साइड इफेक्ट देखिए, पूरा अंधेरा छा गया है इस पूरे इलाके में। ऐसा लग रहा है धुएं का गुबार ऐसा छाया हुआ है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और जैसे जैसे ये धूल और धुआं आगे बढ़ रहा है बिल्कुल अंधेरा किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं ये एटीएस सोसाइटी दिखना पूरी तरह से बिल्कुल बंद हो गया है और ये धूल का जो गुबार है वो आगे बढ़ता जा रहा है यहाँ से और पूरे इलाके में। सामने ये पारसनाथ सोसाइटी, अब ये देखिए ये बिल्कुल अंधेरा होते जा रहा है। और जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि इस ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाकों में हर जगह धुएं का ऐसा गुबार होगा कि कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक उसी तरह से यहाँ अब धीरे धीरे सांस लेना दुभर हो रहा है, आंखों में वो डस्ट आ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप शरीर पे वो आप नजर आएगा ये डस्ट जो आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे इलाके में डस्ट फैल रहा है और ये पिछले कुछ देर से लगातार चल रहा है। जैसे ब्लास्ट हुआ महज 10 सेकंड के भीतर इस पूरे इलाके में हर जगह डस्ट फैल गया है और ये कहा जा रहा है कि आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त लगेगा जब इसको सेटल होने में। और जैसे कि हवा की दिशा है ठीक इसी दिशा में
आप पूरा देख सकते हैं, हर तरफ आपको धुआं धुआं फैलता हुआ नजर आ रहा है। और ये ब्लास्ट का जो साइड इफेक्ट है, ये पहले से ही इसका अंदाजा लगाया गया था और वो अब वो होते हुए दिख रहा है। सुपर टेक के ट्विन टावर को गिराने में वाटरफॉल इम्पोलिजन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। धमाका 100% प्लान तरीके से हुआ। अब आगे क्या होगा वो जानिए। ट्विन टावर ब्लास्ट से काफी मलबा निकला है जिसमें करीब 4000 टन स्टील है। पूरे मलबे को साफ करने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। इस दौरान 3000 ट्रक से मलबा हटाया जाएगा। 31 अगस्त तक प्रदूषण लेवल की जांच की जाएगी। 2 दिन तक आसपास में रहने वाले लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर, 5 पिलर, 6 पिलर, 7वां पिलर, 8वां पिलर, ये कुल मिला के ये पिलरों की वो संख्या है जिसकी वजह से इस पूरे जगह को एक्सप्लोजिव से ध्वस्त किया गया। और यहाँ पर 1500 टायर्स लगाए गए, स्टील प्लेट्स लगाई गई ताकि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल रहे। और वही हुआ, इस दीवार का जिक्र लगातार करते आए थे और इसी दीवार के साथ साथ जो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन है वो आगे की तरफ हुआ। ATS की जो बिल्डिंग है, उसके अलावा सुपरटेक एमराल्ड की बिल्डिंग है, ये पूरी तरह से इस समय इस सिचुएशन के बाद पोस्ट एनालिसिस किया जा रहा है। CBRI की टीम यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद ही यहाँ के लोकल लोगों को क्लियरेंस मिलेगा। एरिया के अंदर इसके पोस्ट इफेक्ट अलग अलग तरीके से देखने को मिले। जो कर्टेंस लगाए गए हैं उस पर इसका शॉक वेव के तौर पर जरूर आया, लेकिन अंदर कोई भी ढांचा या स्ट्रक्चर इसमें तबाह नहीं हुआ। उसके साथ साथ दूसरा ATS की जो बिल्डिंग है उसकी एडजॉइनिंग वॉल जरूर नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद ही सिचुएशन सब कुछ ठीक थी। ये सामने जो एडिफिस टावर दिखाया, जहां पे एडिफिस का बोर्ड है, उस बोर्ड के साथ जो वॉल थी वो वॉल डैमेज हुई। ये वो जगह है जहां पे जिस टायर का हम जिक्र कर रहे थे कि शॉक वेव को कंट्रोल करने के लिए इन टायर्स का इस्तेमाल किया गया। स्टील प्लेट्स लगाई गई, इस तरह से जो आयरन रॉड्स और ये जो मलवा है, ये पिलर्स हैं, इन पिलर्स के ऊपर जो आप होल देख रहे हैं, उन होल्स के अंदर चार्ज लगाया गया, एक्सप्लोजिव लगाया गया और कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के तहत 3700 kg जो एक्सप्लोजिव था पलवल से लाया गया, उसके द्वारा ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हुई। जो मलबे के बाद जो डेबरी है, उसके अलावा जो पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस समय पूरे एरिया में, यानी 500 मीटर के एरिया में वाटर गन्स, वाटर कैनन्स, उसके अलावा एंटी स्मोक गन और फायर ब्रिगेड की मदद ली जा रही है ताकि जो माइक्रोपॉलिटेंट्स और पार्टिकल्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और इसके साथ साथ जो इस समय स्थिति है उसको नियंत्रित किया जा सके। जोरदार धमाका हुआ, गगनचुंबी इमारत जमींदोज हुई, लेकिन इसके बाद भी आसपास की इमारतों को नुकसान न के बराबर हुआ। ट्विन टावर के ठीक बगल में ATS विलेज सोसाइटी है। इसकी 10 मीटर की बाउंड्री वॉल गिरी है और कुछ खिड़कियों के शीशे भी टूटे हैं। कुछ इस तरीके से प्लान किया गया था जिसमें छोटे टुकड़े ना निकल आए, लेकिन पिलरों के इस तरह के लोहे के हिस्से जरूर निकले हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पर्दे टूट गए हैं। वहां पर भी बहुत सारे लोहे के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो छोटे टुकड़े हैं जो यहाँ टूट कर निकले हैं और यही वो टुकड़े हैं जिनकी वजह से जो कपड़े में आप छेद देख पा रहे हैं वो हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छेद, जरूर इनके पीछे दीवार पर शीशा टूटा होगा या बाकी कोई डैमेज हुआ होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये लोहा बारूद से कटा हुआ है, यहाँ पे जला हुआ है बारूद, इसके बगल में टूटा है, इसीलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई चीजें हैं। ये आप जो पैडिंग देख पा रहे हैं, ये बारूद के बगल में वाली पैडिंग थी जो फटकर यहाँ तक आ गई है। ट्विन टावर से महज 14 मीटर की दूरी पर है एमरल्ड कोर्ट और ATS विलेज सोसाइटी। इन सोसाइटीज में करीब 5000 लोग रहते हैं। इन लोगों से रविवार सुबह ही घर खाली करवा लिए गए थे। दिन भर अपने घरों से दूर रहने के बाद शाम से ही अपने घरों को लौटना शुरू हो गए और रात तक करीब करीब सभी लोग घरों में वापस आ गए। जो मैं देखा है वो पूरा सुरक्षित है। इनफैक्ट विंडोज वगैरह भी हमको बोला गया था कि शायद वो टूटे, बट जो हमने बाहर से देखा वो सब इंटैक्ट है। तो क्वाइट एक्साइटेड टू गो बैक। आपको लगा कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, बिल्डिंग गिरी, बिल्कुल सही हुआ? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक हैट्स ऑफ टू जो पूरा प्लान किया था इन लोगों ने, एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ है। इनफैक्ट जिस तरीके से हुआ, आई थिंक यू नो वी आर एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड एंड इन अ गुड वे। तो
हैट्स ऑफ टू ऑल द कैलकुलेशंस, क्योंकि अगर इसमें 0.0001% का भी कहीं पे मिसकैलकुलेशन हो जाता तो सॉरी बोलने के अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन था नहीं। हाँ, पूरी तरह सुरक्षित है, बहुत अच्छा काम हुआ है। RWA ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे और बहुत जल्दी सारी चीजें रिस्टोर की हैं, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एवरीथिंग, गैस एंड एवरीथिंग हैज बीन रिस्टोर्ड नाउ, सो क्लीनलेस, एवरीथिंग हैज बीन क्लीन्ड, सो दे हैव डन अ वेरी वेरी ग्रेट जॉब RWA हैज डन। आप तो घर जाके देखेंगे, बट ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ है। जितना ग्रुप्स में पता चला है अभी तक जो फोटोज आए हैं उसके हिसाब से कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। तो लेकिन बहुत ही हमारे को इतना डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, भगवान की कृपा सब कुछ ठीक हो गया। तो वी आर सो डिलाइटेड, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट, नोएडा गवर्नमेंट। फ्लैट पूरी तरह से सुरक्षित है आपका? हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ शीशम से कुछ सब कुछ? कोई नहीं, बहुत बढ़िया। कईयों के घर ब्लास्ट साइट से महज 50 मीटर की दूरी पर हैं। इन लोगों के मन में डर था, लेकिन जब ब्लास्ट सही सलामत हो गया तो इनकी जान में जान आई। अब घर भी पूरी तरह सुरक्षित है और ट्विन टावर का साया भी घर से हट चुका है। हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये टूटे ताकि हमारी स्काईलाइन क्लियर हो, हमारे हम ताजी हवा ले सके, हमारे फ्लैट्स के रेट अच्छे मिले। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के जो एमरल्ड कोर्ट है सोसाइटी, इसके रेट इस वजह से गिर रहे थे क्योंकि यहाँ वो इतनी गंदी अगली सी बिल्डिंग्स बनी हुई थी। तो अब अच्छा है, हट गया। अब देखते हैं घर की क्या हालत है। बोला तो यही जा रहा है कि कुछ टूटा नहीं है, कोई डैमेज नहीं है। हमारी बिल्डिंग सबसे क्लोज है Aster 3। तो अब लेट्स सी, शीशे भी नहीं टूटे लोग कह रहे हैं तो अच्छी बात है। डर था, बहुत डर था, डरने की ही बात थी। बिल्कुल हमारा टावर तो बिल्कुल साथ में ही था, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। यही प्रे कर रहे थे हम सारा दिन कि हाँ सब ठीक ठाक हो जाए। तो रह के देखेंगे, हमारे लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग है कि इतना बड़ा इवेंट, ये कह रहे हैं सबसे वर्ल्ड की बेस्ट गिर। मेरा टावर वर्टिकली ऑपोजिट पड़ता है, थोड़ा सा दूर पड़ता था तो फोटोज आ गई थी, उनसे पता लग गया था कि कुछ इतना नहीं हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।